हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन से एक टॉपिक पावर इक्विपमेंट्स ऑफ पंप्स पर है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमें पंप्स के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होती है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। पावर इक्विपमेंट्स ऑफ पंप्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में कि कौन कौन से पंप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, इनकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब चीज़ें हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन में हम सिर्फ वो पंप्स में जो पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं या उन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं इतना ही पढ़ते हैं। तो पंप्स की पावर को कैलकुलेट करने के लिए हॉर्स पावर का यूज किया जाता है। हॉर्स पावर क्या होती है? अश्व शक्ति, हिंदी मीनिंग अश्व शक्ति। ये होता क्या है? तो किसी भी इंजन की माप होता है उसे ही अश्व शक्ति या हॉर्स पावर कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो अ मेजरमेंट ऑफ द पावर ऑफ एन इंजन इस कॉल्ड हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दी जाती है जिससे हम हॉर्स पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इक्वेशन इज दिस, एच पी इज इक्वल्स टू पाई एन टी अपॉन 75 × 6। इसमें क्या है, वेयर पाई इज इक्वल्स टू 3.14, हमें पता है। एन क्या होता है? इंजन की स्पीड इन आरपीएम, ओके। एंड टी होता है टॉर्क केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम हॉर्स पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर व्हेन एचपी इज इक्वल्स टू 550 फीट पाउंड पर सेकंड। तो हॉर्स पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज स्पीड, सेकंड वन इज टॉर्क, क्योंकि इन्हीं पे बेस होता है हमारा हॉर्स पावर जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे इंजन की एचपी बदलती है तो उसे शो करने के लिए एक ड्यूटी साइकिल का खींचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ड्यूटी साइकिल नहीं खींचेंगे तो इंजन की क्या ग्रोथ हो रही है, क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या डिक्रीमेंट हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पाता है। इसलिए हम एक ड्यूटी साइकिल हमेशा प्लॉट करते हैं। ड्यूटी साइकिल, दैट ड्यूटी साइकिल इज दिस लाइक दिस। इस तरह से ड्यूटी साइकिल होता है। इधर पे इंजन की स्पीड शो होगी और इधर पे टॉर्क। लाइक दिस। तो हॉर्स पावर को हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी इंजन की हॉर्स पावर को कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NPSH ऑफ फॉरेन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो NPSH क्या होता है अब वो देखेंगे हम कि NPSH क्या होता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। सबको पता है कि कंप्रेसिबल फ्लूड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड क्या होता है। ये भी हम फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि कंप्रेस फ्लूड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्लूड्स में कंप्रेसिबल फ्लूड्स, अनकंप्रेसिबल फ्लूड, एनपीएसएच। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में भी आता है।